पार्षद प्रदीप शर्मा नगर निगम द्वारा नगर निगम मुरादाबाद के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का कार्य रोक दिए जाने के संबंध में नगर निगम कर्मचारी संघ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें पार्षद प्रदीप शर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम कर्मचारी संघ यह अवगत कराना चाहता है कि दिनांक 28/7/2021 को आवास विकास गोल चक्कर बुद्धि विहार थाना मंझोला में नगर निगम मुरादाबाद के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने गए थे। जब नगर निगम की टीम अवैध कब्जा हटाने लगी तो नगर निगम कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप शर्मा ने तुरंत अतिक्रमण हटाओ अभियान रुकवा दिया। पार्षद पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब इस बाबत पार्षद प्रदीप शर्मा से बात की गई तो उसने नगर निगम अधिकारियों को अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भगा दिया, जिसको लेकर नगर निगम अधिकारियों ने थाना मंझोला में पार्षद के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई, जिसको देखते हुए आज नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुहान अली की अध्यक्षता में नगर निगम के कर्मचारी SSP कार्यालय पहुंचे और पार्षद के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु शिकायत पत्र सौंपा। मेरा नाम ओमीलाल वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष। आज SSP कार्यालय आना हुआ है, क्या समस्या लेकर आया है? ये सब आप जानते हैं कि आपने हमारी समस्याओं को पूरे समाचार पत्रों में खूब अच्छे तरीके से छापा। हम नगर निगम जनता की सेवा करने वाले लोग और हमारे माननीय पार्षद प्रदीप शर्मा जी ने जिस तरीके से हरकत हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारियों के साथ हुई है, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने FIR थाना मंझोला में दर्ज कराई है, लेकिन अभी कोई उस बारे में थाना मंझोला किसी कार्रवाई को करने के लिए आनाकानी कर रहा है। कई दिन के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए माननीय कप्तान साहब से मिले, आदरणीय कप्तान साहब से जाकर के उनके संज्ञान में अपनी पीड़ा को बताएं। नगर निगम कर्मचारी इस टाइम पर बहुत रोष में है इस घटना को लेकर के, जो एक पार्षद ने तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी और बदतमीजी की है। ऐसे हालातों में नगर निगम कैसे कर्मचारी और तमाम अधिकारी कैसे शहर के अंदर काम करें, जहां जनता को हम लोग सहूलियतें देते हैं, सफाई से लेकर पानी से लेकर टैक्स से लेकर हाउस टैक्स से लेकर अन्य सुविधाएँ हम लोग नगर निगम द्वारा दी जाती है, लेकिन एक गुंडाई पर पार्षद उतर आए और वह इतनी गुंडाई कर दे कि जिससे कुछ हद हो गई है कि हमारे अधिकारियों पर आक्रमण करने लगा, हमारे अधिकारियों से बदतमीजी करने लगा, और तो और जिस जमीन पर उसने अपने साथियों से कब्जा करा रखा था वो जमीन नगर निगम सरकारी थी, उस पर हमारे तमाम अधिकारी नगर निगम प्रशासन कब्जा हटाने के लिए गया था, लेकिन उस कब्जे को हटाने के बजाय उस पार्षद को हमारा सहयोग करने के बजाय उन भूमाफियों का सहयोग करा जिन्होंने पहले से नगर निगम के स्थान पर सरकारी जमीन पर उन्हें कब्जा कर रखा था। इसलिए आज हम माननीय अपने आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हम तमाम संगठन के लोग मिले और जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो आज भी धमकी और जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है आज भी नगर निगम कर्मचारियों के साथ में और अधिकारियों के साथ में, उसकी जानकारी देने के लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, उनको लिख करके दिया हमने कि हमारे साथ ये पीड़ा हो रही है साहब, और अभी तक थाना कोई संज्ञान नहीं ले रहा है आपका, तो माननीय कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये मेरे संज्ञान में है और मैं इसको बड़ी गहराई से ले रहा हूँ और शीघ्र आपको इसका न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। ये मेरे संज्ञान में पूरी तरीके से आप निश्चित रहिए। हमने कहा साहब, शासन सफाई कर्मचारी, शासन सिपाही कर्मचारी, आप एक गाड़ी के दो पहियों के मालिक हैं और हम लोग सब साथी हैं साहब आपके, हम कर्मचारी हैं आपके। उन्होंने पूर्ण तरीके से आश्वस्त किया और हमें आश्वासन